तो आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो आग लगी हुई है इस वजह से लोग सोच रहे भी नहीं लेते कुछ पैसा बच जाएगा हमारे हाथ में। एक तो ये वजह होगी इसके बढ़ने की जो पॉपुलैरिटी है इसकी वजह से भी, और भी बहुत सारे रीज़न है इलेक्ट्रिक स्कूटर की पॉपुलरिटी बढ़ने के लिए। तो इसी देश में बहुत सारे स्कूटर आ रहे हैं मार्केट के अंदर और बहुत सारे उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि होंडा कंपनी ने एक स्कूटर लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, इंडिया में नहीं किया, इंडिया के बाहर किया है, यूगो, जो कि एक बार चार्ज होने पे आपको 130 किलोमीटर तक की रेंज देता है। और होंडा कंपनी आपको पता है कि रिसेंटली लाने वाली है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट के अंदर, और लोग उम्मीद करें भैया कि ये भी हो सकता है उसमें से एक, क्योंकि इसकी प्राइस जो होंडा ने रखी है बाहरी मार्केट के लिए वो इतनी रखी है कि इंडिया में भी वो कॉम्पिटिशन कर पाए अगर इसको यहाँ पर लॉन्च करती है। तो भैया अगर आप लोगों को जानना है होंडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, युगो के बारे में, किसके अंदर कंपनी ने क्या ऑफर कर रही है बाहर के मार्केट के लिए, और क्या वो इंडिया में लाएगी इसको या नहीं लाएगी, सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में। तो अगर आप लोग जानना है तो ये वीडियो पे एंड देना, कहीं भी स्किप करना, ठीक है? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो मैं होंडा कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर रहा हूँ युगो की, तो कंपनी ने इसको दो वर्जन में लॉन्च किया है। और होंडा के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के टॉप स्पेसिफिकेशन वर्जन के अंदर 1.2 किलोवाट की मोटर मिलती है, जिसका मैक्सिमम आउटपुट होता है 1.8 किलोवाट का। और कंपनी का कहना है इसकी जो टॉप स्पीड है वो 53 किलोमीटर पर आवर्स की है। और जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है यूगो का, उसके अंदर आपको 0.8 किलोवाट की मोटर मिलती है और उसकी जो टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर्स की है। और होंडा कंपनी ने इसकी जो प्राइस रखी है वो रखी है 7,499 युआन, मतलब लगभग लगभग हो गया इंडियन रुपीज़ में हो गया 86,000 रुपये। और ये जो स्कूटर है चाइना के अंदर भी सब्सिडी के अंडर में आता है, मतलब अगर चाइना वाले लेंगे तो उनको भी सब्सिडी मिलेगी, और अगर ये इंडिया में आएगा तो भी इसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर के दोनों वजन में 1.4 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है आपको, जो कि 65 किलोमीटर की रेंज देती है। हालांकि इसी दूसरी बैटरी के साथ स्कूटर की रेंज 130 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है, मतलब आप एडिशनल बैटरी ले सकते हो होंडा यूगो के लिए। इंडियन मार्केट के अंदर जो ओला S1 है उसकी रेंज इतनी है, मतलब 121 किलोमीटर तक की है, जो कि स्टैंडर्ड वर्जन की है। अगर मैं होंडा यूगो के फीचर की बात करूँ तो कंपनी ने इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन फीचर दिए हैं, जैसे कि फुल LED लाइटिंग और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और जो होंडा यूगो का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर आपको रेंज, बैटरी स्टेटस, राइडिंग मोड और स्पीड जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस स्कूटर के अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट और एंथ्रेक्स अलार्म भी मिल जाता है। और कंपनी ने अभी तक ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है कि वो इसे इंडिया में लाएगा नहीं लाएगा, मगर अगर लाता है या इन्फॉर्मेशन देता है तो आपको ऑब्वियसली बात आपको मेरे चैनल पर पता चली जाएगा। और इसके साथ होंडा यूगो के अंदर आपको 12 इंच के फ्रंट और 10 इंच के रियर अलॉय व्हील मिल जाते हैं। और इसके साथ इसके अंदर आपको 26 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि अंडर सीट होता है। तो होंडा कंपनी ने अपने यूगो को लॉन्च कर दिया चाइनीज मार्केट के लिए, मतलब चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया। वहाँ पे इसने जो इसकी कीमत रखी है लगभग लगभग रखी है 86,000 के आसपास, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर वो इंडिया में लाती है तो ये ला सकती है, ऐसी बात नहीं है कि ला सकती, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज काफ़ी अग्रेसिव है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में लोग इतने बजट में खरीद लेते हैं। और इंडिया में आने के बाद इस पर ऑब्वियसली बात है सब्सिडी मिलेगी तो ये और कम हो जाएगी। तो अब तो देखने वाली बात है कि इंडिया में कंपनी इसको ही लाएगी या कुछ नया मॉडल लाएगी या एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन लाएगी, तो ये सब तो आपको मेरे चैनल पर पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन रेगुलर से डालता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए भैया और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो और लाल बटन दबा दो, वो फ्री है बिल्कुल। वो दबाती है आपको बिना रोक टोक डेली बेसिस पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी यूट्यूब के ऊपर। और अगर आप लोगों को और भी कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन या अपडेट चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, और अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को बाइक कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से सिर्फ इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मेरी लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।